Yo guys, this is Anil, and today I and my friend Tony, we are going to Nainital on our scooty. I don't know if you can see or not. So this is Activa 6G, and it is 2021 model. And ये मैंने अभी 6 महीने ही पहले ली थी, शायद फरवरी में. And हम आज नैनीताल जा रहे हैं. And to be honest, I would say कि ये मेरा first time experience है on a two wheeler for such ride. And मेरे ख्याल से टोनी का भी फर्स्ट है. एंड मुझे नहीं पता कि अगर हम टू व्हीलर से आते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एंड क्या इश्यूज होते हैं एंड ऑल. सो या मैं एक्साइटेड हूँ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर नैनीताल. आई जस्ट वांट टू गो नैनीताल एंड आई वांटेड टू गो ऑन बस, बट देन आई रियलाइज कि आई हैव अ स्कूटी एंड स्कूटी का एवरेज बहुत ठीक ठाक है. एंड मुझे लगा कि अगर हम स्कूटी से आते हैं तो हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि मैटर करता है एंड ऑफ द डे. एंड बस से तो हम जाते रहते हैं, एंड बस से तो मेरे ख्याल से आप एंड मैं हमने बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है, बट स्कूटी से मेरी पहली राइड है. तो आफ्टर वहाँ पहुँचने तक हम आपको सब बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए एंड ऑल. सो या लेट्स सी. तो टोनी भाई आ चुके हैं एंड हमारे पास टोटल मिला के 2 बैग हैं. एक ये टोनी ने कैरी करा है, एक मैंने अपना आगे रखा हुआ है, एंड एक छोटा सा बैग है जिसमें हमने स्कूटी के कागज एंड सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो डिग्गी के अंदर है. एंड या हमारी यही स्कूटी लोडेड है. तो या देखते हैं हम, मतलब मेरे ख्याल से कंफर्टेबल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. तो टोनी तैयार है तू? तैयार हूँ बिल्कुल. तो ठीक है, हम सब तैयार हैं. एंड अभी हमें मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, एंड अब बस हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. टू बी ऑनेस्ट, हमें रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं पता एंड हम पूरा गूगल मैप्स के थ्रू जाएंगे एंड आपको बताएंगे कि गूगल मैप्स आपको फंसाते नहीं फंसाता. तो इस टाइम सुबह के बजे हैं 4 बज चुके हैं, तो हम 4 बजे अपना ड्राइव टूर स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं. तो हम अपनी टंकी स्कूटी की फुल करा रहे हैं जो कि हुई है 356 में. वही और आ जाए इसमें, और यहाँ टोनी अपना GoPro सेट कर रहा है, तो आगे फ्यूचर में GoPro के शॉट आ सकते हैं. तो यहाँ हमने यू दिन डाला है, जहाँ जो है 101.5 पैसे एंड टंकी हो चुकी है फुल. कितने की है भैया? 390. 390 की फुल हुई है, 390 की फुल हुई है ना, तो 390 की फुल होगी ये टंकी. दिल्ली मेरे एक्सप्रेस रोड पर कभी यहाँ से 5 घंटे दिखा रहा है, जो मैं स्टार्ट करता हूँ तब ये दिखाता है 5 घंटे 45 मिनट है. काफ़ी सो गए, काफ़ी ठंडे हैं, मतलब इतना महसूस कर रहा था ज़्यादा ठंडा है, बट तब तो ज़्यादा है, मतलब ये पता नहीं कौन सा है. बढ़िया आगे जाएगा. ओके सो गाइस, हमारा 100 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुका है एंड अभी बज रहे हैं 6, और 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है. हमने टोटल 110 किलोमीटर कम्प्लीट कर दिया है एंड अब हम रेस्ट पे हैं. काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, और टेम्परेचर हमने फ़ोन में चेक किया था 16 दिखा रहा था, बट फिर हो गया ठंड है. बट मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है. तो सो फार मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप ऐसे स्कूटी पे या बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें. एक तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़रूर देखें वहाँ कितना है, तो अकॉर्डिंगली अपने कपड़े एंड और अपनी तैयारी उस हिसाब से करें, जो कि हमने नहीं करी थी. एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वेट मत करिए कि आप 100 किलोमीटर हो गए हमें अब ब्रेक लेना है, अब 50 में हमें अब ब्रेक लेना है. जब भी आपको लगे कि आपको खाना है, भूख लग रही है, बाथरूम करना है, आप जब भी स्कूटी रोकिए एंड जब भी वो अपने काम करिए, वेट मत करिए कि कुछ सर्टेनिटी होगी तो हम करेंगे. बाकी हाँ, सो फार सो गुड. और यहाँ तेल का प्राइस है 95.8. ओ तो दोस्तों, हमने तेल डलवा लिया है स्कूटी में एंड अभी हमने पीछे मुरादाबाद से तेल डलवाया है. यहाँ पे तेल का प्राइस है 95.88, विच इज़ क्रेजी, क्योंकि दिल्ली में 110 हो गया था, बट शायद दिवाली का प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हुई है तो नीचे आ चुका है, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है. और टोनी कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? भाई बहुत ठंड है, कोहरा भी बहुत है, बट अब लकीली आप देख सकते हो सूरज निकल चुका है एंड अब काफ़ी प्लेजिंग सा मौसम, प्लेजेंट सा है मौसम
एंड अब थोड़ा मजा आ रहा है। अब पहले तो पूरी फट रही थी, अंधेरा कोहरा ठंड, बट अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर हो गया है। बढ़िया, लेट्स सी आगे क्या होता है एंड आपको अपडेट देते हैं बाकी। तो या अब यहाँ से 134 किलोमीटर पेंडिंग है, अभी टाइम हुआ है 7:25। तो यार देखते हैं, मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाने चाहिए। एंड या होप फॉर बेस्ट। तो हम नैनीताल से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर हैं और हम अभी रास्ते में हमने देवभूमि रेस्टोरेंट से हमने चाय पी। ठीक थी चाय, बेकार इतनी अच्छी भी नहीं थी, इतनी बेकार भी नहीं थी। एंड अब हम फिर से जाने वाले हैं। मैप में जो अगला रूट है वो दिखा रहा है, कितने घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे दिखा रहा है, बट डिस्टेंस काफ़ी कम है क्योंकि आगे पहाड़ वगैरह हैं, तो थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो बाकी देखते हैं। तो यह सो फार सो गुड एंड मौसम काफ़ी अच्छा है, एकदम धूप निकल आई है एंड धूप भी निकल आई है। तो यार अब मज़ा आ रहा है जाने में, अब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कहाँ गए एंड ऑल। तो यार बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम अभी नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर हैं और सुबह के बज रहे हैं अभी 10:50 एंड ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा लगेगा एंड अब थोड़ा मतलब बॉडी में लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा लंबा रूट हो गया, रेस्ट लो, बट हाँ 15-20 मिनट के बाद देन हम होटल में जाकर रेस्ट करेंगे पहले, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे देख सकते पीछे एकदम व्यू है, पहाड़ काफ़ी ऊपर है ना, वो है सब पीछे पहाड़ देख रहे हैं देखा। एंड हमारी स्कूटी पीछे लोडेड खड़ी है, स्कूटी बहुत सही चल रही है, बड़ी स्मूथ राइड दे रही है ओवरऑल। सो या मतलब अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम का इशू नहीं हुआ एंड ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। And yeah, hope for best. हम आ चुके हैं नैनीताल एंड हमने होटल भी ले लिया है, होटल मेरे पीछे जस्ट एंड टोनी हमारे साथ है। तो अभी बज रहे हैं 12:15 एंड हमने होटल वोटल लेके हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं आधे घंटे से हम आप चिल कर रहे हैं, यहाँ बैठने का सिस्टम है या पीछे नैनी लेके और व्यू आ रहा है अच्छे। एंड या अभी बस हम नहा धो के फ्रेश होंगे, देन लंच करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आज क्या करना है हमें, आज की लिस्ट में क्या है। मैं भी कन्फ्यूज हूँ कि हमें आज क्या करना है, आज क्या बोटिंग करें आज कैसे घूमना है देखते हैं है ना। हाँ फिर थोड़ा दिमाग काम करेगा।